नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस मंडे पर से टारगेट 2019 में आज आप लोग के हिंदी का डे 4 है और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। यदि आप लोग PDF फाइल पाना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर दिया गया बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा अलंकार होगा ये आप सभी को बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए फिलहाल आपको बता देते हैं जो राइट आंसर है इसका है सी वाला विभावना। यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा ये विभावना अलंकार होगा। तो दी गई पंक्तियों में विभावना अलंकार है क्योंकि बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बिनु पग चले सुनी सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पर आप लोग का जो है कर्म कोई बिना कारण के ही काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर जो बघेली दे रखा है आपका डी वाला ऑप्शन जो आपको दे रखा है बघेली, ठीक है ना। तो ये है आप लोग का पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर पूर्वी हिंदी की बोली, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर पूर्वी हिंदी की बोली है। शेष तीनों बोलियाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, शेष तीनों बोलियाँ जो हैं वो आप लोग की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए 153 में दिया गया हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपका पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषा का सही अनुक्रम है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है पहले आप लोग का पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी आएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा आप लोग का यहाँ से ए वाला आ जाएगा, ठीक है। ये हिंदी भाषा का एकदम बिल्कुल सही अनुक्रम दिया गया है। इसके बाद 154 में देखिए क्या दिया गया है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा की जो आप लोग की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है। दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू ये तो सारी भाषाएँ दे रखी हैं, लेकिन अवधि क्या है, ये बोली है, इसलिए आपका जो अलग होगा मानक भाषा नहीं है वो आपका अवधि है, क्योंकि अवधि कोई लैंग्वेज नहीं है, ये आप लोग की बोली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 156 में निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए, माला गूंथना, ठीक है। माला दोस्तों गूंथी नहीं जाती है, प्रश्न हाँ जरूर पूछा जाता है, अभियोग लगाना ये भी गलत है, दही जमाना नहीं हो तो दही जमता है, जमना होता जमाना नहीं होता। तो दोस्तों करेक्ट आपका कौन सा है, यहाँ पर अगर हम लोग अशुद्धियाँ देखें तो इन वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य है आप लोग का वो है प्रश्न पूछना, तो आप लोग का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 157 में अशुद्ध वाक्य चुनिए, यहाँ पर आपको तीन वाक्य तो सही हैं लेकिन एक गलत दे रखा है, आपके सौजान्य से मेरे काम बन गए सही दे रखा है, मैं अनको विद्वानों से मिला हूँ, तो अनको होता ही नहीं है, अनेक होता है ना, अनेको भी नहीं होता है ना अनको होता है, तो यहाँ पर गलत आपका दिख गया, आपको बी वाला है, बाकी आपके सारे सही दिए गए हैं इसमें। अब चलते हैं 58 पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, पश्चात बिल्कुल सही लिखा है, शासन भी सही लिखा है। अब हंसी, हंसी दे रखा है दोस्तों, हंसी में जो होती है आपकी चंद की बिंदी लगती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ना की बिंदी लगा रखी है, आपका गलत दे रखा है, यहाँ पर सी वाला होगा। अब देखिए यहाँ पर 159 में क्या दिया गया, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे क्या कहलाते हैं, वो आप लोग के कहलाते हैं अनुकरण वाचक, ठीक है। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे आप लोग के अनुकरण वाचक कहलाते हैं। फिलहाल 159 के बाद चलते हैं 160 पर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा, पक्षी, पुत्र, बावली या फिर भिक्षा। तो आपको बताना तद्भव है आप लोग का इसमें बावली, बावली दोस्तों क्या है, ये आपका तद्भव है, बाकी सारे तत्सम रूप दे रखे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अब कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, फिलहाल ये है देवदारू, देवदारू नहीं है, बाकी कल्पतरु, कल्पदुरुम, कल्पप्रभु, कल्पपहु, तो ये तो सारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची दिए गए, लेकिन जो देवदारू दे रखा है ये नहीं होगा। अब 162 देखते हैं क्या दिया गया है, संयुक्त शब्द का विलोम क्या होगा। अब संयुक्त का आपको विलोम बताना है, तो संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त, संयुक्त का विलोम वियुक्त, संयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपका वियुक्त हो जाएगा। अब 163 देखते हैं क्या दिया गया है, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक शब्द से दूसरा शब्द के बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं रचना। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, अपील शब्द तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो सही जवाब होगा आप लोग का विदेशज, अपील शब्द जो है वो आप लोग का विदेशज होगा। लालटेन शब्द कैसा है, लालटेन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
तो ये होगा आप लोग का यहाँ पर विदेशज। लालटेन जो शब्द है ये आप लोग का विदेशज है, ठीक है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल, तो कमल आप लोग का यहाँ पर रूढ़ शब्द है। रूढ़ पढ़े होंगे, रूढ़ यौग, रूढ़ यौगिक शब्द पढ़े होंगे, ठीक है ना। उन तीनों में से जो एक रूढ़ होता है ये आप लोग का कमल है, एग्जाम्पल है ये आप लोग का रूढ़ शब्द का। अब चलते हैं हमारा 167 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं लिपि। तो आपका आंसर ए वाला करेक्ट होगा। 168, भाषा और लिपि क्या है? तो भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा और लिपि जो है वो एक दूसरे के पूरक है। 169 देखते हैं क्या दिया गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से इस प्रकार हुई है। सबसे पहले आपका सिंधु, उससे हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंदी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ये सिंधु से, पहले सिंधु बोला जाता था, सिंधु से नाम पड़ा हिंदू, हिंदू से आया हिंद, और हिंद से हो गया हिंदी, इस प्रकार से नाम पड़ा है। अब देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, कौन सी लिपि से हुआ है? तो ये आपको पता है देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सबसे पहले ब्राह्मी, उसके बाद कुटिल लिपि, फिर गुप्त लिपि, और लास्ट में अंत में देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ध्यान रखिए, देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस क्रम में हुआ है? पहले ब्राह्मी, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। चलिए फिलहाल, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो पाकिस्तान आप लोग का जो है इन पंक्तियों में हिंदी का अर्थ क्या है? जैसे कि बोला कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो यहाँ पर जो हिंदी का मतलब दोस्तों बता दें, इसका अर्थ है भारतवासी, ठीक है ना। 171 का जो हिंदी का मतलब है, हिंदी का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से है, भारत में रहने वाले लोगों से है, इसलिए इसका सही जवाब होगा आप लोग का भारतवासी। अब चलते हैं 172 पर। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 172 का जो राइट आंसर है ये होगा आप लोग का सी वाला, अक्षरात्मक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 173, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है? तत्सम शब्दों का जो मूल स्रोत है वो आप लोग का संस्कृत है। तत्सम शब्दों का मूल जो स्रोत है वो संस्कृत है। संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों, यानी कि बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, वे सभी शब्द आप लोग के तत्सम शब्द कहलाते हैं। 174 में देखते हैं आपका क्या दिया गया है। दिए हुए मुहावरे का अर्थ बताना है। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है यहाँ पर पौवारा होना। पौवारा होना का क्या होता है? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ, प्रातःकाल। तो दोस्तों पौवारा होना का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। क्या होता है? लाभ ही लाभ होना। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, शैतान की आँख, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शैतान की आँख का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आँख का मतलब क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु। अब देखिए आपका अगला दे रखा है यहाँ पर संधि बताना है। आधा प्लस गति, अधोगति हो जाएगी, इसमें किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है विसर्ग लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों की विसर्ग संधि होगी, आधा प्लस गति अधोगति, यहाँ पर आप लोगों की विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप लोग को देखिए क्या दे रखा है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर जो आप लोग का उपसर्ग प्रयोग किया जा रहा है ये आपका है प्रति, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रति जो है उपसर्ग का यूज किया जा रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। कृत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अब आप सभी को यहाँ पर यह बताना है। 178 का नाम है सर्वनाम के अंत में। सर्वनाम के अंत में कृत जो है कृत प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कृत प्रत्यय होते हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत जो है प्रत्यय ये सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ण किसे बोलते हैं? ध्वनि, शब्द, छंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्ण दोस्तों आपको बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, इनको याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर आप लोग का है यहाँ पर, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण आप लोग का जैसे कि जानते ही होंगे ध्वनि को कहा जाता है, ना शब्द को ना छंद को। तो आप लोग का यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो है कौन कौन से होते हैं? तो ये है आप लोग का वर्ग के पंचम अक्षर। दोस्तों जो आप लोग वर्ग के पंचम अक्षर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लिखा का वर्ग, का वर्ग में आपके लोग क्या आएगा? का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा, और अड़ा आएगा। तो ये पंचम अक्षर आ गया, ये होते हैं अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ये वर्ग के पंचम अक्षर आते हैं। तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, तो ना आप लोगों का क्या होगा? अनुनासिक व्यंजन है। फिलहाल ये तो था 181 की बात करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है विग्रह, ठीक है ना।
181 का राइट आंसर आप लोग का विग्रह कन्या शाब्दिक अर्थ। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है, देव असुर का कौन सा समास होगा, देवासुर में कौन सा समास होगा, देवासुर में दोस्तों कौन सा समास होगा। तो 182 का जो राइट आंसर है ये आप लोग का है द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा होगा, देव असुर, देव और असुर, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। अब 183 से लेकर 85 में आपको लोकोक्तियों के अर्थ बताने, जैसे कि छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, ठीक है ना, सुनते हो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा लेकिन आपको अर्थ बताना है, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है ना। एक तो छछुंदर उसके ऊपर ऊपर से चमेली का तेल लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, यानी कि डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला दे रखा है, हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत का मतलब होता है असंगत बातें करना, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का मतलब होता है असंगत बातें करना। अब नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान का मतलब होता है अल्प ज्ञान भयंकर होता है, अल्प ज्ञान भयंकर होता है। आप प्रश्न संख्या 186-87 तक आपको बताना है, निम्न प्रश्नों में भाववाचक शब्दों को चुने, बूढ़ा का क्या होगा आपका, बूढ़ा, बूढ़ा का होगा बुढ़ापा, भाववाचक बताना है, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। महान का क्या हो जाएगा, महान का हो जाएगा महानता, महान का क्या हो जाएगा महानता हो जाएगा। अब आप लोग को विलोम बताना है, रिक्त का विलोम क्या होगा, रिक्त का विलोम आपको बता दें ये होगा पूर्ण, रिक्त का जो विलोम होगा ये आप लोग का पूर्ण होगा। इसी प्रकार से जो विशेष का विलोम होगा ये आप लोग का सामान्य होगा, विशेष का विलोम सामान्य। चलिए फिलहाल अब दो क्वेश्चन आपके दिए गए, यहाँ पर आपको निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों छाटनी है। तुलसीदास ने अवधि भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, आपको गलती मिली, मिली ना, तो दोस्तों आपकी जो गलती है, तुलसीदास जी ने यहाँ पर अवधि भाषा में अनेकों नहीं अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं होता है, क्या होता है अनेक ग्रंथ लिखे, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, 191 में गलती क्या है दोस्तों आप लोग की, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है या फिर डी में है। लोग यूं ही अक्सर बेकार की, ठीक है ना, लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। फिलहाल इसका जवाब आप सभी लोग 191 का कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से किस किस के आंसर आते हैं। फिलहाल 192 जो है आप लोग का पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, क्या है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति का संबोधन शैली होती है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति की संबोधन शैली होती है किसमें, तो देखिए ये होती है आप लोग की, आपका होगा प्रिय योगेश जी, जो यहाँ पर दे रखा सी वाला पार्ट ये आपका सही होगा, प्रिय योगेश जी आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं 193 में क्या दे रखा है, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता, तो आपको बता दें फिलहाल इसका राइट आंसर है ज्ञापन, क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर आप लोग का ज्ञापन होगा। अब देखेंगे हमारा क्या दिया गया, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का हिंदीकृत रूप क्या है, ऑर्डिनेंस का हिंदीकृत रूप है अध्यादेश, हिंदी में बोलते हैं इसको अध्यादेश। इसी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन का बताना है, नोटिफिकेशन का हिंदीकृत रूप क्या है, तो ये होगा आप लोग का अधिसूचना, नोटिफिकेशन का हिंदीकृत रूप क्या है, अधिसूचना है। अब अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है, अधिसूचना जब समाप्त होती है तो उस पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है, तो स्वनिर्देश के स्थान पर होता है हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव या फिर उप सचिव, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब एक पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पर उससे रिलेटेड आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका ही जवाब आपको देना है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वर्ष 1914 तक देश का औद्योगिक विकास बेहद धीमा रहा, वर्ष 1914 तक देश का औद्योगिक विकास बेहद ही धीमा रहा और साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया, गांवों की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई, सबसे अधिक बुरा प्रभाव कारीगरों, हरिजनों और छोटे किसानों पर पड़ा, ग्रामीण जल साम्राज्य और उनके भारतीय एजेंट जमींदारों के दोहरे शोषण की चक्की में पिस रहे थे, ब्रिटिश काल में सूदखोर महाजनों का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिनसे एक बार कर्ज लेने पर गाँव के किसान जीवन भर गुलामी का पट्टा पहनने पर मजबूर हो जाते थे, उनके हिसाब से सूद का भुगतान करने में असमर्थ किसान महाजनों को खेत बेचने पर मजबूर होकर अपनी जमीन पर ही मजदूर होता गया। इस प्रकार देश में एक ओर तो बड़े किसानों की संख्या बढ़ी, दूसरी ओर जमीन जोतने वाला किसान भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होकर खेतिहर मजदूर होने में जो दोस्तों क्या हुआ खेतिहर मजदूर होने लगा, भुखमरी से बचने के लिए बड़ी संख्या में दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण बड़े पैमाने पर रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, परंतु इस असहाय लोगों का स्वागत करने के लिए वहाँ भी कठिनाइयाँ और समस्याएँ ही थीं।
तो प्रेमचंद्र गोदान में होरी और गोबर के माध्यम से इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यह अकेले होरी की ट्रेजेडी नहीं है, पूरे छोटे किसानों के साथ साथ साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण तंत्र का क्रूर मजाक है जो दूसरे ढंग से आज भी जारी है। फिलहाल 20वीं शताब्दी के आरंभ में ग्रामीण गरीबी का प्रेमचंद्र जो यथार्थ चित्रण करते हैं, यह यूरोप में किसी भी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है। टूटे फूटे झोपड़े, मिट्टी की तस्वीरें, घरों के सामने कूड़े करकट का ढेर, कीचड़ में लिपटी भैंसे, दुर्बल गाय, हड्डी निकले किसान और जवानी में ही बुढ़ापा आ जाना। तो दोस्तों फिलहाल अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये पूछा रहा है, गोदान के पात्र कौन है। गोदान के जो पात्र हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थे होरी और गोबर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था गोदान के पात्र कौन थे, दोस्तों यहाँ पर जो गोदान के पात्र थे ये थे आप लोग के होरी और गोबर। इनके माध्यम से पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया का विस्तार किया गया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1914 तक देश के औद्योगिक विकास धीमा रहने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। 1914 तक देश का औद्योगिक विकास धीमा रहने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। फिलहाल 198 का जो राइट आंसर है ये आप लोग का साम्राज्यवादी शोषण। क्या होगा? साम्राज्यवादी शोषण होगा। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने का कुप्रभाव किस पर पड़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने का कुप्रभाव जो है किस पर पड़ा है। 199 का सही जवाब होगा आपका डी वाला, ये सभी रखें कारीगर, छोटे किसान, दलित वर्ग, इन सभी पर ही पड़ा है। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कारीगर लोग शहरों की ओर क्यों पलायन कर रहे थे। दोस्तों जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, वो शहरों की ओर क्यों रहने जा रहे थे। तो दोस्तों किस लिए जा रहे थे, रोजी रोटी की तलाश में, भुखमरी से बचने के लिए, या फिर एक और तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल आपको पता ही है यहाँ पर दो होगा, ठीक है। रोजी रोटी की तलाश में और भुखमरी से बचने के लिए दोस्तों ग्रामीण लोगों ने क्या सोचा कि चलो शहर की ओर पलायन करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर आपका सी वाला होगा। तो फिलहाल आज की हिंदी की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास लगी होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, हालांकि इन सभी को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, सारे आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं आप लोग की अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।